नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नाजमा अब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। और अब वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी और कुछ अहम खबरों का। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद पुलिस महकमे ने बड़ा कदम उठाया है। झांसी जिले के रक्सा थाना क्षेत्र में युवक द्वारा एक घास फूस की झोपड़ी से हाथ में अवैध हथियार लेकर लहराते हुए निकला, जिसका वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा था, जिसे दहशत फैलाना महंगा पड़ गया। आरोपी को ललितपुर हाईवे से पुलिस ने तमंचे समेत गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले पर सीओ सदर के मुताबिक आरोपी के खिलाफ मामले को दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया। कल शाम को रक्सा थाना क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें से एक व्यक्ति तमंचे के साथ देखा गया। तत्काल संज्ञान लेते हुए वीडियो की जांच कराई गई, तो उस वीडियो में जो व्यक्ति तमंचे के साथ देखा गया था, उसका नाम अनिकेत परमार उर्फ अन्नू, सना चंद्रभान सिंह परमार, ठकुरास मोहल्ला, रक्सा थाना क्षेत्र का मिला। उक्त व्यक्ति को आज सुबह एक तमंचे के साथ ललितपुर हाईवे पहाड़िया पास से गिरफ्तार किया गया है। अगले तक विधिक कार्रवाई की जा रही है।